हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब सहरी चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी कि एक महीने में ही बहुत जल्दी से कंसीव करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, कंप्लीट आपका रूटीन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है इनमें कुछ चीजों का परहेज करना पड़ता है खासतौर पर। और यही दो चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को होती है, आज के टाइम में नॉर्मल हो गया है इन चीजों का होना। तो क्या करना है, क्या खाना है, क्या सप्लीमेंट लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है और क्या चीजें नहीं लेनी है, पूरे वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, सारी बातें बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर यूट्यूब सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें और हाँ, दूसरों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे जल्दी कंसीव करने के लिए बहुत आसान घरेलू उपाय, जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है, खाने पीने में जो परिवर्तन करने हैं वो सारी चीजें, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं वो सारी चीजें हैं, उसको फॉलो करके बहुत सारी सहेलियां बहुत आराम से कंसीव कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कि आज मैं आपको क्या खास बात बताने वाली हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की। इस वीडियो को बनाने का पर्पज सबसे पहले जानना जरूरी है। बहुत सारी सहेलियां ऐसी थी जो समझ नहीं पा रही थी कि भाई कंसीव करना है तो हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए पूरे महीने, जैसे ये क्वेश्चन है कि पीरियड के बाद से हमको क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से रूटीन रखना है। तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत ही बेसिक बात है। कंसीव की प्लानिंग जब से शुरू करते हैं आप, चाहे सोचना शुरू करते हैं कि हाँ अभी भी प्लान करना है, तो अपने खान पान को कैसे आपको ढालना है ताकि सफर आपको बहुत आसान हो जाए। तो आइए हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं डाइट की बात करूंगी, क्योंकि डाइट सबसे मेन चीज होती है। और आपको बता दूं कि 99% आज के समय में हेल्थ इश्यूज जो है, चाहे वो फर्टिलिटी हो चाहे दूसरे हो, डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से हैं। और उन दो चीजों को ठीक करने से 99% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज, लीन प्रोटीन खाने में होना चाहिए। अब बात है कि आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं लीन प्रोटीन में, और वेजिटेरियन है तो बीन्स ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, ये आपके लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा दालें वगैरह बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। प्लांट प्रोटीन में क्विनोवा एक बहुत अच्छा है, क्विनोवा पे मेरा एक वीडियो भी है, आप चैनल पे डिटेल्स में जाके उसको भी जरूर देखें। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, फर्टिलिटी को बूस्ट करने की बात करते हैं, तो होल ग्रेन्स की बात जरूरी है करना आपसे। होल ग्रेन्स साबुत अनाज, इसमें आपका ब्राउन राइस आएगा, रागी, जौ, ओटमील, क्विनोवा, गेहूं का दलिया, ये सारी चीजें आपको इनमें से डेली कुछ ना कुछ आप अपने नाश्ते में जरूर ऐड करें, खाने में जरूर ऐड करें। इससे क्या होगा, अगर एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि सुबह नाश्ते में आप एक कटोरी अगर दलिया खाते हैं, चाहे वो हरी मूंग की दाल के साथ बनाए, चाहे दलिया बॉइल्ड हो और उसको आप दूध में नट्स और चॉप्ड फ्रूट्स के साथ में ऐड करके खाएं, दोनों ही तरीके से बहुत हेल्दी होता है और आपके दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से होल ग्रेन पे फोकस करिए। पास्ता वगैरह इन सब चीजों से, मैक्रोनी पास्ता, और बहुत ज्यादा लोग तो सुबह थोड़ा टी ले लेते हैं और टी के साथ कुछ बिस्किट वगैरह लेते हैं, बिल्कुल अनहेल्दी तरीका है ये। तो आपको नाश्ता अच्छे से करना है, हेल्दी नाश्ता करना है। अब जो फ्रूट्स में जो स्पेशल फ्रूट्स हैं फर्टिलिटी के लिए, वो मैं आपको बता दूं कि जितनी बेरीज हैं, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, ब्लूबेरी हो, ग्रेप्स हो, कीवी हो, पाइनएप्पल है, एप्पल है, बनाना है, सारे फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छे हैं, आप सबको खाइए। स्पेशल फोकस होना चाहिए ऑल कलर फ्रूट्स, जितने भी कलर के फ्रूट्स आपके सीजन में आपके प्लेस पे अवेलेबल हैं वो सारे आप इंक्लूड कीजिए। बेरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कीवी, आवोकाडो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सिट्रस फ्रूट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पाइनएप्पल हमको ओवुलेशन तक अच्छे से खाना चाहिए, ओवुलेशन के बाद पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, ये सजेशन मैं आपको दूंगी। बाकी सारे फ्रूट्स आप कर सकते हैं कैरी आगे तक। पपाया भी ओवुलेशन तक आप खाएं, उसके बाद न खाएं, अगर पपाया खाते हैं तो। अब बात आती है वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स में सब तरीके की वेजिटेबल्स खानी है आपको, लेकिन खास फोकस जिस पे रखना है, जो आपको डेली उनमें से कुछ ना कुछ लेना ही है, वो वेजिटेबल्स हैं टोमेटो। टोमेटो सुपर फूड है फर्टिलिटी के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को लेना है। आप टोमेटो का सूप ले लीजिए, आप कहेंगे कि सब्जी में तो डेली पड़ता है सब टोमेटो, नहीं, आप सूप के फॉर्म में लीजिए। सब्जी में तो आप ऐड करते हैं लेकिन एडिक्वेट अमाउंट में मिलना चाहिए, तो आप टोमेटो का सूप ले लीजिए डिनर में, आप सूप ले सकते हैं होममेड। इसके अलावा जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक है, बथुआ है, मेथी है, इसके अलावा ब्रोकली है, बहुत ही बढ़िया है, गाजर, जितनी भी रूट वाली चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं, और गाजर
बेहद जरूरी है, बहुत ही अच्छा सोर्स है। चाहे जूस पिए, चाहे आप उसको सैलेड में खा लें, जिस भी तरीके से गाजर को यूज करें, गाजर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये कुछ खास सब्जियां थी जिनको आपको ऐड करना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे स्पाइसेस की। हमारे फूड में अगर स्पाइसेस ना हो तो टेस्ट नहीं हो सकता, इमेजिन ही नहीं कर सकते बिना स्पाइसेस के फूड को। लेकिन कुछ स्पाइसेस हैं जिनका बहुत मैजिकल रोल है हर चीज में। चाहे आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो जैसे सिनेमन है, दालचीनी है, उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, एप्पल पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। फ्रूट चाट बना रहे हैं अगर मिक्स्ड तो उसमें भी डाल सकते हैं, और आइसक्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, चाय में तो पी ही सकते हैं। तो इस तरीके से इन स्पाइसेस को आप अच्छे से यूज करें ताकि इसका बॉडी को बहुत अच्छा इफेक्ट मिले। वो स्पाइसेस कौन कौन सी है जो फर्टिलिटी को बूस्ट करती हैं, मेल के लिए भी उतना ही अच्छा रिजल्ट है, फीमेल के लिए भी उतना ही अच्छा रिजल्ट है, वो है अदरक। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन की या ब्लॉकेज की तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है उसमें। चाहे फेलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम हो, चाहे सिस्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो। तो दालचीनी, अदरक, लहसुन, हल्दी, कलौंजी, अजवाइन और जीरा, ये कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं जो आपके रूटीन में ऐड होने चाहिए। अब ये सारे एक साथ यूज करने का तरीका भी मैं छोटा सा आपको बताना चाहूंगी कि जब आप सब्जियां बनाते हैं और उसमें तड़का लगाते हैं तो कुछ मिक्स्ड तड़का लगा सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी दालचीनी, इन सबको मिक्स करके आप तड़का लगाएं, सब्जी का फ्लेवर भी बढ़ेगा और इनका एक्सट्रैक्ट भी ऑयल में आ जाएगा, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और अगर आप इस तड़के के साथ सब्जी बनाएंगे तो आपको सब्जी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगेगा। यहां तक तो हुई डाइट की बात, सारे सेक्शंस मैंने कवर किए हैं। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। जितना इम्पोर्टेंट रोल डाइट का है उतना ही इम्पोर्टेंट रोल सप्लीमेंट्स का है। अगर आप कंसीव करने जा रहे हैं तो मैं इसको सलाह दूंगी कि एक बार आप अपने डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लें, क्योंकि हम ट्राई करेंगे, थोड़े टाइम तक हम ट्राई करेंगे, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर जाएंगे चेकअप कराने। तो अगर आप बहुत सीरियस हैं और एज ज्यादा हो रही है तो सलाह यह है कि आप एक बार 30+ हैं और ट्राई करने जा रहे हैं तो एक बार आप चेकअप करवा लीजिए डॉक्टर से, सारा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके, तो आपकी टेस्ट के बेसिस पर आपको सप्लीमेंट्स बताए जाएंगे। लेकिन फर्टिलिटी के जो खास सप्लीमेंट्स हैं जो लगभग सबको लेने चाहिए, वो है सबसे पहला फॉलिक एसिड। मेल के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है, फीमेल के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट। इवन फीमेल के लिए फॉलिक एसिड का रोल थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जिंक, सेलेनियम, ये मेल के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है। जिंक और सेलेनियम एग में बहुत अच्छा मिल जाएगा, कुछ स्प्राउट्स में बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कुछ सप्लीमेंट लूं, ओके, तो सप्लीमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के खुद सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। जिंक, सेलेनियम, फूड के सोर्सेस सारे मैं यहाँ चैनल पर बताती हूँ। पहले भी सुपर फूड के वीडियो शेयर किए हैं, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, स्पेशल जो फूड्स हैं उनका भी वीडियो मैंने शेयर किया। आपको सब कुछ देखिए क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी है, आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगी। इसके अलावा विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो अगर आपको थायराइड वगैरह है तो विटामिन डी का चेकअप जरूर आप करा लें, क्योंकि अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है ऐसी कंडीशन में, बॉडी में थायराइड वगैरह की कंडीशन में, तो आपको उसका सप्लीमेंट लेना होता है। सप्लीमेंट आप डॉक्टर की सलाह से लें, लेकिन एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज करें, जैसे कि चीज है, पनीर है, दूध है, दही है, और हाँ, डेली 10 से 15 मिनट का डायरेक्ट सन एक्सपोजर बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए। ओके, तो विटामिन डी के लिए आपको धूप में भी बैठना होगा, दूध की चीजों के साथ में, दूध और उससे जुड़ी चीजों के साथ में धूप में जरूर बैठे। इसके अलावा ओमेगा 3 और वाइटल मिनरल्स, ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्सीड ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, और वाइटल जो मिनरल्स होते हैं सारे सीड्स, जितने भी सीड्स होते हैं ना, पंपकिन सीड लीजिए, मेलन सीड लीजिए, ब्राजीलियन नट्स लीजिए, इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड्स हैं, बहुत सारे उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जो होते हैं अवेलेबल हमारे मार्केट में, वो सारी चीजें हमको अपने टी टाइम में 1-2 चम्मच डेली के रूटीन में रोटेशनली एड कर लेना चाहिए, जिससे कि हमको सारा न्यूट्रिशन मिलता है। अलग अलग सीड्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या नहीं खाना है। थायराइड है तो आपको पिस्ता नहीं खाना है, ब्रोकली नहीं खानी है, सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, और अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। इसके साथ ही कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको टी कॉफी नहीं लेना है। टी कॉफी लेना चाहते हैं, मानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमको हेडेक होता है अगर हम टी वगैरह नहीं लेते, तो हैबिट में है, कोई बात नहीं, हैबिट को ठीक करना भी आप ही के हाथ में है। तो मैंने फर्टिलिटी स्पेशल 3 टाइप की टी बताई है, तो वो जो टी बताई है उसमें से कोई भी आप चॉइस करें और उसको घर में आप बना के पिए, 2-3 दिन आपको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन हैबिट में आने के बाद आपको हेडेक नहीं होगा। अभी तक एडिक्शन है और इन टी के साथ आपको उसको एडिक्शन को दूर करने में भी मदद मिलेगी, फर्टिलिटी डेफिनेटली बूस्ट होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर पीसीओडी है तो जितनी भी शुगरी चीजें, देखिए पीसीओडी की एक बात समझ लीजिए, पीसीओडी है और आपका वेट जाता है तो 50% प्रॉब्लम आपका वेट रिड्यूस करने से ही खत्म हो जाएगी।
तो क्या करना चाहिए, डाइटिंग नहीं करना है, बिल्कुल भूखे नहीं रहना है, लेकिन अपनी डाइट को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि आपकी बॉडी में कार्ब्स कम जाए, प्रोटीन ज्यादा जाए, जैसे कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी ठीक से काम करेंगे और हार्मोन्स भी बिल्कुल अपने रेगुलेट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे टी, कॉफी, अल्कोहल और फास्ट फूड। फास्ट फूड में अजीनोमोटो होता है, लैड एडेड होता है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। बाहर का खाना नहीं खाना, बहुत तला हुआ भुना हुआ सब्जियों को बहुत ज्यादा भून भून के बनाते हैं, सारा न्यूट्रिशन जल जाता है, तो सब्जियों को बहुत अच्छे तरीके से पकाएं, कम आंच पे पकाएं ताकि उसका न्यूट्रिशन उसमें रहे। तो इस तरीके से अगर डाइट लेंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे, कुछ चीजों का परहेज करेंगे तो बहुत जल्दी एक महीने में आप कंसीव कर लेंगे।